गुज़श्ता से मुतल्लिक असाइनमेंट से मुतल्लिक सो फार कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए पहले। जी जी पूछिए। असाइनमेंट फोर ओके सवाल पूछिए। जी बेटा सवाल पूछिए अपना अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay, there is a thing called Fibonacci series. Have you heard of this series? जी मैं ये कह रहा हूँ कि फिबोनाची सीरीज के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं या नहीं? ओके अच्छा फिबोनाची सीरीज जो होती है उसमें हर टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होती है। होता ये है कि पहली दो टर्म हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है हमने कहा कि पहली दो टर्म्स जो है वो फिक्स हैं, तो हम कहते हैं कि पहली टर्म जो होगी वो इसकी जीरो होगी, दूसरी टर्म इसकी वन होगी, ठीक है। तो ये दो टर्म्स तो आप फिक्स कर देंगे, फर्स्ट टर्म है दैट इज जीरो, सेकेंड टर्म इज वन। अब थर्ड टर्म क्या होगी? दोनों टर्म्स का सम, यानी जीरो और वन का सम, और वो क्या होगा? वन अगेन। अगली तीसरी टर्म क्या होगा? चौथी टर्म क्या होगी? पिछली दो टर्म्स का सम जो कि है वन वन, तो वन वन का सम। फिर अगली टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होगी, फिर यानी टू और वन का सम थ्री, फिर थ्री और टू का सम फाइव, फाइव और थ्री का सम एट, और फिर थर्टीन एंड सो ऑन। ठीक हो गया? अब आपको करना क्या है? आपको एक प्रोसीजर लिखना है फिबोनाची के नाम से। वो इनपुट के तौर पे एक नंबर लेगा,
इनपुट के तौर पे जो नंबर लेगा आपको फाइबोनैची सीरीज की उतनी टर्म बतानी है। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको थ्री पास से थ्री थर्ड बताएगा व्हिच इज वन, अगर आप उसे एट पास करें तो सेवन पास करें तो ये सेवन नंबर आएगा जो कि है आठ, अगर आप उसे एट पास करेंगे तो थर्टीन बताएगा, नाइन पास करेंगे तो थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन बताएगा, राइट। तो बेसिकली आपको इसमें लॉजिक जो बनानी है वो ये है कि आप पहली दो टर्म्स तो कर लेंगे फिक्स, आप कहेंगे कि ये शुरू में तो पहली दो दोनों टर्म्स हम फिक्स कर देंगे, पहली टर्म होगी जीरो और दूसरी टर्म होगी वन। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लूप लगानी है और उस लूप को बेसिकली जिस टर्म तक आपको जाना है वहां तक चलाना है, और आपको हर बार क्या करना है जो पिछली टर्म सम है वो आपकी सेकेंड टर्म बन जाएगी और जो सेकेंड टर्म होगी वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 01 से शुरू करें तो 01 जो है वो 0 आपकी पहली टर्म है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आपकी पहली टर्म होगी और ये आपकी दूसरी टर्म होगी, ठीक है। अब 0 और 1 का सम सॉरी 1। अब अगर आप आगे आए तो अब आप कहेंगे कि जनाब ये आपकी पहली टर्म है ये आपकी दूसरी टर्म है, वन और वन का सम आ जाएगा थ्री, तो आप ये कहेंगे कि जी ये आपकी पहली टर्म है और ये आपकी दूसरी टर्म है। यानी हर बार आपकी टर्म्स जो है वो आगे आगे मूव करती जाएंगी, आपकी दूसरी टर्म जो है पिछली टर्म में जो आपकी दूसरी टर्म थी वो पहली बन जाएगी और जो नया सम आपने निकाला होगा वो दूसरी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए आप आगे बढ़ते हुए इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप वो टर्म जो आपसे पूछी गई है वो बता सकें। तो कुछ आइडिया समझ आया आप लोगों को? ओके, सो आई होप यू आर एबल टू डू इट नाउ। और कोई सवाल? ठीक है, कोई सवाल नहीं। ओके, ओके जी। तो आज हमें बात करनी है, हमने जो नेसेसरी कंपोनेंट्स थे यूनिट थ्री को कंप्लीट करने के लिए वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और हमने जो अभी तक अचीव किया था, हमने एक प्रोसीजर बनाया था गेट नेक्स्ट टारगेट के नाम से, क्योंकि एक में एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकता था। हमने प्रिंट ऑल लिंक्स के नाम से दूसरा प्रोसीजर बनाया था जिसमें ये सलाहियत थी कि वो एक पेज पर मौजूद तमाम लिंक्स को एक्सेस कर सकता था, प्रिंट कर सकता था। अगर हम उसका कोड देखें, लेट मी जस्ट ओपन द कोड फॉर, तो हमारा कोड जो था दिस, तो ये हमारा पहला प्रोसीजर था गेट नेक्स्ट टारगेट, ठीक है, जो क्या करता था कि एक पेज इनपुट के तौर पे लेता है, स्टार्ट लिंक फाइंड करता है और फिर चेक कर लेता है कि अगर स्टार्ट लिंक माइनस वन नहीं है, यानी स्टार्ट लिंक मौजूद है, ठीक है, फिर तो हमें आगे काम करना है, वरना हम वहीं से नन और जीरो रिटर्न कर देंगे कि लिंक नहीं मिला और जो एंड कोड की वैल्यू हम जीरो रिटर्न कर देते हैं। वरना हम क्या करते हैं कि स्टार्ट कोड की वैल्यू फाइंड करते हैं कि स्टार्ट कोड कहाँ मिलती है, फिर एंड कोड की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर स्टार्ट कोड प्लस वन से लेकर एंड कोड तक हमारा URL है जो हम लोकेट करना चाहते हैं, और फिर हम URL और एंड कोड को रिटर्न कर देते हैं। इस प्रोसीजर को फिर हमने कॉल कर लिया था प्रिंट ऑल लिंक्स के अंदर, ठीक है। प्रिंट ऑल लिंक्स के अंदर हम क्या करते थे कि पेज जो है वो गेट करते थे, एक URL दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं और ऑटोमेटिकली हम पेज रीड कर लेते हैं इस कॉल फंक्शन प्रोसीजर कॉल के जरिए, URL ओपन के जरिए। फिर हम एक इनफाइनाइट लूप लगाई, गेट नेक्स्ट टारगेट को कॉल करते हैं,
ठीक है, इसको वो पेज पास कर देते हैं, या यूआरएल और एंड पोजीशन गेट करता है, हमें वापस कर देता है। और अगर हमें लेजिटिमेट यूआरएल मिला है, हम उस यूआरएल को प्रिंट करते हैं और फिर पेज जो है उसका उतना हिस्सा उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसीजर वॉज वर्किंग विद अस परफेक्टली। तो हम ये करते हैं कि इस प्रोसीजर के साथ अपना काम शुरू करते हैं, और इसमें टेस्ट पेज के तौर पे हम इस पेज का एड्रेस डाल लेते हैं। राइट, दिस इज अ वेरी सिंपल पेज। ये मैं पेज आपको दिखाता हूँ, इस पेज के ऊपर एक लिंक है लर्न टू क्रॉल, लिंक ऑफ एचटीएमएल पेज है, इसके ऊपर एक और पेज king.html दैट हैज नॉट मच टेक्स्ट। सो ये सिर्फ सैंपल पेज है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। हम से एक पेज है वॉक पर वापस आपको इंडिविजुअल ले जाता है। सो यू हैव दिस पेज क्लाइंट। सो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं, प्रिंट ऑल लिंक्स, और इसको हम ये यूआरएल दे देते हैं। इट शुड बी एबल टू प्रिंट ऑल द लिंक्स दैट इट फाइंड्स ऑन दिस पेज। सो क्रॉलिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, ये सारे लिंक्स इसको इस पेज के ऊपर मिलते हैं, ये हमारे लिए प्रिंट कर देता है। छोटा सा काम हम ये करते हैं कि ये जो काम हम यहाँ पेज वाला कर रहे हैं, इसको हम एक अलग प्रोसीजर बना लेते हैं। इनफैक्ट हम अभी रुक जाते हैं, हम थोड़ा सा आगे चल के इसको बना देंगे एक अलग प्रोसीजर। ओके, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ ये कर रहे हैं कि जो जो यूआरएल हमें मिलता जाता है उसको हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, हमें यूआरएल मिला, जितने भी यूआरएल हमें मिलते जाएंगे वन बाय वन हम उनको प्रिंट करते जाएंगे। अब इस प्रिंट करने में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें असल जरूरत तो ये है कि जितने भी यूआरएल मिले हम उनकी एक लिस्ट मेंटेन करें। राइट, जितने भी यूआरएल हमें मिले हम उनकी एक लिस्ट मेंटेन करें, क्योंकि फिर हमने उन यूआरएल्स को मजीद एक्सप्लोर करके उनके ऊपर जो यूआरएल्स मिलेंगे उनको भी इसमें शामिल करना है। तो क्रॉलिंग का प्रोसेस तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम ये बुक कीपिंग करना शुरू नहीं करेंगे। तो हमें ये जो यूआरएल्स मिलते हैं हमें इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक लिस्ट ले लेते हैं लिंक्स के नाम से, उसको एम्प्टी इनिशियलाइज कर लेते हैं। यानी लिंक्स के नाम से एक लिस्ट है हमारे पास और ये लिस्ट शुरू में एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि लिंक्स डॉट अपेंड कॉल करते हैं और इसके अंदर यूआरएल को डाल देते हैं। यानी अब इसको प्रिंट करने की बजाय हम एक लिस्ट के अंदर इकट्ठा करते जाते हैं। ये बात समझ आई आपको जो हमने ये काम किया यहाँ पे? अगर आपको किसी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि जो यूआरएल्स हमें मिलते हैं, बजाय इसके कि हम इन्हें महज प्रिंट कर दें, महज प्रिंट करने का हमें फ़ायदा नहीं है, हम उनकी एक लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मज़ीद इन लिंक्स को एक्सप्लोर करके, ओपन करके इनके ऊपर मिलने वाले यूआरएल्स को भी फिर आगे एक्सप्लोर करना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये बुक कीपिंग कर पाएँ। ओके, सो हमने लिंक्स के नाम से एक लिस्ट की ली, उसको एम्प्टी इनिशियलाइज करवा लिया इस प्रोसीजर के अंदर, और जब हमें यूआरएल मिला अगर वो लेजिटिमेट था तो हमने लिंक्स के अंदर उसको अपेंड कर लिया। अब जितने यूआरएल हमें मिलते जाएंगे वो इस लिस्ट लिंक्स के अंदर अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, हम एक और चीज़ करना चाहेंगे कि इसको जितने भी लिंक्स मिले हैं
वो ये रिटर्न करते हैं, यानी जब हम प्रिंट ऑल लिंक्स, बल्कि हम इसका नाम प्रिंट की बजाय अब गेट ऑल लिंक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम महज प्रिंट नहीं कर रहे, हम इनको गेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर अब ये सलाहियत रखता है कि एक पेज जो आप इसको पास करते हैं, उस पेज को ओपन करके उसके ऊपर जितने भी लिंक्स मिलते हैं वो एक लिस्ट के तौर पे अब हमें ये रिटर्न कर सकता है प्रोसीजर। ठीक हो गया जी? क्वेश्चन अभी तक है आपके जहनों में तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमने ये कर लिया कि हमने इस प्रोसीजर को मॉडिफाई कर लिया। अच्छा, अब हमें मजीद ये करना है कि एक पेज के ऊपर जो लिंक्स हमें मिलते हैं, हमें उन उन लिंक्स को ओपन कर कर मजीद पेजेस के ऊपर जाना है। अभी तक जो काम हमने किया है उसमें हमने ये किया है कि हम एक सीड पेज लेते हैं, एक वेब पेज लेते हैं जिसका एड्रेस होता है हमारे पास, उससे हम शुरू करते हैं और उस पेज के ऊपर जितने लिंक्स हमें मिलते हैं उन लिंक्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। वो लिंक्स के नाम से जो हमने लिस्ट बनाई है उसके अंदर वो सारे लिंक्स हमें हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप एक पेज पे मौजूद जब लिंक्स को ओपन करके मजीद अगले पेज पे जाते हैं तो उसके ऊपर मजीद लिंक्स होते हैं, फिर उनको ओपन करके मजीद आगे पेजेस को एक्सप्लोर करते हैं तो उनके ऊपर मजीद लिंक्स होते हैं। यानी ये एक काइंड ऑफ एंडलेस एक्टिविटी बन जाती है कि अगर आप वेब पेजेस के ऊपर एक्सप्लोर करना शुरू करें उन लिंक्स को खोल के आगे जाएं, तो आप अगर ये कहें कि आप तमाम लिंक्स को एक्सप्लोर करके ख़त्म कर पाएंगे इसे, तो प्रॉबली ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, राइट? तो अब हमें करना ये है कि हम इस प्रोसीजर को इस्तेमाल कर पाएं इस तरीके से कि हम इनके अंदर जो लिंक्स हमें मिलते हैं हम उन लिंक्स को भी ओपन करके आगे जाकर उनके ऊपर जो हमें कंटेंट मिलता है उसको भी एक्सप्लोर कर सकें। सो हमें बेसिकली अपने क्रॉलर को फिनिश करने के लिए कुछ मजीद काम करना पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट वी आर रेडी टू फिनिश द वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर इज मेंट टू बी एबल टू फाइंड लिंक्स ऑन अ सीड पेज, मेक देम इनटू अ लिस्ट एंड देन फॉलो दोज लिंक्स टू न्यू पेजेस वेयर देयर मे बी मोर लिंक्स व्हिच यू वांट योर वेब क्रॉलर टू फॉलो। सो यहां तक का काम हमने कर लिया, ठीक है? द वेब क्रॉलर इज मेंट टू बी एबल टू फाइंड लिंक्स ऑन अ सीड पेज, जो सीड पेज जिससे हम शुरू करेंगे उसके ऊपर जितने लिंक्स हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट हमने बना ली है। ये वाला काम अब हम आगे करने जा रहे हैं, दैट इज एंड देन फॉलो दोज लिंक्स टू न्यू पेजेस वेयर देयर मे बी मोर लिंक्स। अब हमें सीड पेज के ऊपर जितने लिंक्स मिले हैं उन लिंक्स को ओपन करके उन पेजेस पर जाना है और देखना है अगर उनके ऊपर मजीद हमें लिंक्स मिलते हैं तो हमें उनको भी एक्सप्लोर करके, तो क्रॉलिंग का ये प्रोसेस अब हमें आगे बढ़ाना है। सो इन ऑर्डर टू डू दिस द वेब क्रॉलर नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द पेजेस। यूज द वेरिएबल टू क्रॉल एज अ लिस्ट ऑफ पेजेस लेफ्ट क्रॉल, यूज द वेरिएबल क्रॉल टू स्टोर द लिस्ट ऑफ पेजेस क्रॉल्ड। अब हमें करना ये है कि हम दो लिस्ट्स मेंटेन करेंगे। एक लिस्ट में हम उन पेजेस का एड्रेस रखेंगे जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट में हम उन पेजेस के एड्रेसेस स्टोर करेंगे जो अभी हमने एक्सप्लोर करने हैं, जिनके एड्रेसेस हमें मिल तो गए हैं लेकिन उन वेब पेजेस को ओपन करके हमने उनके ऊपर मजीद लिंक्स को फाइंड नहीं किया। तो हम दो लिस्ट्स मेंटेन करते हैं, एक टू क्रॉल, एक का नाम हम टू क्रॉल रख लेते हैं। क्रॉल का मतलब यह है कि ऐसे पेजेस की लिस्ट जिनको अभी हमने क्रॉल करना है, जिनके ऊपर लिंक्स को अभी हमने फाइंड करना है मजीद। और क्रॉल्ड के नाम से दूसरी लिस्ट बना लेते हैं। क्रॉल्ड के नाम से जो लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर हम वो लिंक्स स्टोर करते जाएंगे जिनको हम क्रॉल कर चुके होंगे या जिनके ऊपर से हम लिंक्स एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे, फाइंड कर चुके होंगे, राइट? बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, सो वी कॉल दिस सूडो कोड। अब ये अब हमने जो नीचे कोड लिखा हुआ है इसको, ये एग्जैक्ट पाइथन कोड नहीं है, इसको हम सूडो कोड कहते हैं। जो वो कोड जो आप किसी प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज की बजाय एक आम फहम डिस्क्रिप्ट अंग्रेजी की जबान में स्टेप बाय स्टेप लिखें तो हम उसको कोड की बजाय सूडो कोड कहते हैं। तो सूडो कोड, वी कॉल दिस सूडो कोड सिंस इट इज मोर प्रिसाइज देन इंग्लिश एंड स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ लाइक पाइथन कोड। ये सादा अंग्रेजी भी नहीं कह सकते लेकिन पाइथन भी नहीं है, सो इट इज समवेयर बिटवीन दोज, राइट?
सो अगर आप इस सूडो कोड को देखें तो इसमें हमने क्या किया कि स्टार्ट विद टू क्रॉल इज इक्वल टू सीड, आप ये करें कि टू क्रॉल के नाम से जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आप सीड पेज रखते हैं, यानी जिससे हम अपना काम शुरू करेंगे। और जो क्रॉल्ड लिस्ट है जिसमें हमने उन पेजेस के एड्रेसेस स्टोर करने हैं जिनको हम क्रॉल कर चुके होंगे, उसको आप एम्प्टी रख लें क्योंकि शुरू में आपने अभी कोई भी पेज क्रॉल नहीं किया। ठीक है, फिर आप क्या करें, वाइल देयर आर मोर पेजेस क्रॉल, जब तक आपके पास टू क्रॉल लिस्ट के अंदर मजीद पेजेस मौजूद हैं, आप क्या करें, आप टू क्रॉल में से एक पेज उठाएं और उस पेज को क्रॉल्ड में डाल दें और उस पेज के ऊपर जितने लिंक आपको मिलते हैं उनको टू क्रॉल में डाल दें और आखिर में जब ये सारा काम आपका खत्म हो जाए, टू क्रॉल में मजीद पेजेस ना बचें, तो आप क्रॉल्ड लिस्ट रिटर्न कर दें, यानी उसमें आपके पास उन तमाम पेजेस के लिंक होंगे जिनको आप क्रॉल कर चुके हैं। ये बात समझ आई या नहीं? जी, इसमें देखिए आपको करना क्या है, दो लिस्ट आप बना लेते हैं, एक टू क्रॉल के नाम से जिसको आप सीड पेज से इनिशलाइज कर देते हैं कि जी इसमें सीड पेज है, जिस पेज से आप अपना क्रॉल का प्रोसेस शुरू करेंगे, और एक क्रॉल्ड के नाम से लिस्ट बना लेते हैं जिसमें दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप उन पेजेस के एड्रेसेस डालते जाएंगे जिनको आप क्रॉल कर चुके हैं। और क्रॉल कर लेने का मतलब क्या है कि उस पेज के ऊपर से तमाम लिंक्स को आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। फिर आप एक लूप लगाएंगे, उस लूप के अंदर आप ये करेंगे कि जब तक टू क्रॉल के अंदर पेजेस मौजूद हैं, आप चेक करते रहेंगे कि क्या टू क्रॉल खाली तो नहीं हो गई। टू क्रॉल खाली ना होने का मतलब ये है कि ऐसे पेजेस मौजूद हैं आपको क्रॉल करना है। तो फिर अगर आपके पास टू क्रॉल में पेजेस मौजूद हैं तो टू क्रॉल में से एक पेज उठाइए, उस पेज को क्रॉल्ड में डाल दीजिए और उस पे, बल्कि आप यूं कह लें कि हम इनको ऊपर नीचे कर लें तो बेहतर होगा, कि टू क्रॉल में से एक पेज उठाइए और फिर उस पेज के ऊपर से तमाम लिंक्स निकालिए और उनको टू क्रॉल में अपेंड कर दीजिए और फिर आखिर में उस पेज को क्रॉल्ड में डाल दें कि जी ये पेज क्रॉल हो गया, इसके लिंक हमने फाइंड कर लिए, उनको टू क्रॉल में डाल दिया। जब आपकी टू क्रॉल लिस्ट खाली हो जाए तो आपका ये एल्गोरिथम एंड हो जाएगा और आप क्रॉल्ड लिस्ट जो है रिटर्न कर देंगे, यानी क्रॉल्ड के अंदर उन तमाम पेजेस का एड्रेस होगा जिनको आप क्रॉल कर चुके हैं। ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ वी फॉलो दिस प्रोसेस ऑन द टेस्ट साइड, राइट, स्टार्टिंग विद द सीड पेज। अब अगर एक सीड पेज हम कोई भी लें, फर्ज करें ये नहीं, कोई भी सीड पेज अगर हम लें और हम जो है क्रॉलिंग का प्रोसेस शुरू करें तो क्या होगा? हमारे पास हमें बज़ाहिर तीन ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूआरएल्स रीचेबल फ्रॉम द सीड पेज, इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द यूआरएल्स रीचेबल फ्रॉम द सीड पेज, इट विल नेवर रिटर्न। कौन सी ऑप्शन में से ज़्यादा okay, one is that it will return a list of all the URLs reachable from the seed page. Anybody else? Okay, किसी को लगता है कि इसकी ऑप्शन ए के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकती है? अच्छा, ये बताइए कि ऑप्शन ए ही क्यों? असल में ये जो आपके सामने ये जो लिंक है, ये वाला, ये भी मैंने आपको खोल कर दिखाया, ये udacity.github.io, तो ये तो बहुत सादा सा लिंक है, इसके ऊपर तीन चार मजीद लिंक्स हैं, तो ये इसके ऊपर तो आप ये कह सकते हैं कि इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूआरएल्स रीचेबल फ्रॉम द सीड पेज, लेकिन इन जनरल हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप इन जनरल कोई पेज इसको देंगे तो हम शायद ये कहेंगे कि इट विल नेवर रिटर्न, क्योंकि आपको पता है कि वेब पेजेस के ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं और वो लिंक्स रिडंडेंट भी होते हैं, एक लिंक आपको बहुत सारे वेब पेजेस के ऊपर मिल जाता है। सो यू इफ यू कंटिन्यू टू क्रॉल सो इट कैन टेक
अ लॉट ऑफ टाइम, दुनिया में अगर वेब पेजेस की तादाद अगर हम देखें तो वो बिलियंस में है, राइट? एटलीस्ट अरबों की तादाद में वेब पेजेस हैं. सो ये एक्सपेक्ट करना कि आपका वेब क्रॉलर ख़त्म कर लेगा इस काम को और तमाम पेजेस के लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके आपके पास ले आएगा, इट विल बी प्रॉब्ली डिफिकल्ट फॉर अस टू से. सो ये जो सिंपल वेब पेज है udacity.github.io का, ये तो बहुत सादा सा पेज है, इसके ऊपर सिर्फ 3-4 लिंक्स हैं, वो लिंक्स आखिर में डेड हो जाते हैं, आगे मजीद उनके ऊपर मजीद लिंक्स हमें नहीं मिलते. सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमें तमाम URLs इस पेज से रीचेबल हैं वो मिल जाएंगे और मिल जाने चाहिए, लेकिन हर केस में ऐसा हम नहीं कह सकते. वेब क्रॉलिंग का प्रोसेस जो है, अगर आप उसे ओपन वेब में चलाएं तो वेब पेजेस की तादाद चूँकि बिलियंस में है, लिहाजा ये एक्सपेक्ट करना कि वो रिटर्न करेगा या वो प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा. अभी तक कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए. ओके, आज आपको जरा आवाजें मेरा ख्याल है ज्यादा आ रही होंगी, सही है? असल में हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं अब दरवाजा खोल के बाहर बैठा हूँ, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और बाहर से कोई बाइक, कोई रिक्शा, कोई कुछ गुजर जाता है, फिर परिंदे चहचहाते हैं और तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है. और इत्तेफाकन आज मेरे पास हैंड्स फ्री भी नहीं है, सो हम एक ओपन माइक बोल रहे हैं, दैट्स वाई आपको ज़रा आवाज़ वाइल्ड सी आ रही होगी. ओके, अच्छा, अब ये जो हमने सूडो कोड पीछे लिखा था जिसमें हमने ये लॉजिक लिखी थी कि हमें क्या करना है, इसको हम एक प्रोसीजर के तौर पे लिख लेते हैं. हम ऐसा करते हैं कि क्रॉल वेब के नाम से एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, डेफ क्रॉल वेब, उसको हम सीड पेज दे देते हैं, ठीक है? और हमने कहा था कि हमें दो लिस्ट इनिशलाइज करनी है, एक टू क्रॉल और दूसरी डिफॉल्ट. क्या आप बता पाएंगे कि टू क्रॉल को हमें किस चीज से इनिशलाइज करना चाहिए? क्रॉल में, यानी टू क्रॉल में वो पेजेस होंगे जिनको भी हमने क्रॉल करना है. टू क्रॉल को चीज से इनिशियलाइज करें, जी क्रॉलिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? जी बिल्कुल, इट विल स्टार्ट, जी बिल्कुल, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सीड पेज. सो अगर हम ये प्रोसीजर लिखें, मिसाल के तौर पर मैं ये प्रोसीजर लिखना शुरू करता हूँ, हम लिखते हैं डेफ क्रॉल वेब एंड वी गिव इट द सीड पेज एंड वी create a list to crawl and we initialize it with seed. और इसी तरीके से crawled के नाम से एक लिस्ट हम बना रहे हैं तो crawled को किस चीज से initialize करेंगे? empty list से, because अभी तक हमने किसी पेज को crawl किया नहीं है, लेकिन हमने जिसको crawl करना है वो हमारे पास एक पेज है, ऐसी पेज है जिससे हम crawling शुरू करेंगे. okay. बेसिकली क्रॉलिंग का प्रोसेस हमारा सीड पेज से शुरू होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक टू क्रॉल लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती. यानी टू क्रॉल में हमने उन पेजेस के एड्रेसेस स्टोर करने हैं जिनको हमने क्रॉल करना है. तो अगर हमारी टू क्रॉल लिस्ट खाली हो जाती है तो हम अपनी क्रॉलिंग खत्म कर देंगे, ठीक है? और हम करेंगे क्या, दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप, के टू क्रॉल के अंदर से एक एक पेज उठाते जाएंगे, उसके ऊपर से लिंक्स निकाल के उनको भी टू क्रॉल में अपेंड करते जाएंगे और जो क्रॉल्ड है फिर उसको हम उसमें डाल देंगे, क्रॉल्ड लिस्ट में डाल देंगे कि जी ये वाला पेज क्रॉल हो गया. और फिर टू क्रॉल में से अगला पेज उठा लेंगे, उसके साथ भी यही करेंगे, उसको भी क्रॉल्ड में डाल देंगे और फिर टू क्रॉल में से अगला पेज उठा लेंगे, उसके ऊपर से भी नए लिंक निकाल के टू क्रॉल में डालेंगे और फिर उस पेज को क्रॉल्ड में डाल देंगे. तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक टू क्रॉल में एड्रेसेस मौजूद रहेंगे, जब तक टू क्रॉल में लिंक्स मौजूद रहेंगे. ऐसा ही है जी, ठीक है? सो अब हम एक लूप लेते
जा रहे हैं और हम कहते हैं कि वायल लेंथ ऑफ टू क्रॉल इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए अगर टू क्रॉल में कोई एड्रेस कोई लिंक मौजूद है उसकी लेंथ जीरो तो नहीं हो सकती ना, इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वही उसकी लेंथ होगी। जब तक टू क्रॉल खाली नहीं हो जाती यानी उसकी लेंथ जीरो नहीं हो जाती तब तक हमारी ये लूप चलती रहेगी। ठीक हो गया? नहीं, आप इस लेंथ अगर ले रहे हैं तो लेंथ तो आपको पता है, लेंथ फंक्शन जो है वो तो आपको टू क्रॉल की लेंथ बताएगा। अगर उसमें एक एड्रेस है तो वो एक बताएगा, टू है तो टू बताएगा, और अगर वो खाली है तो वो जीरो बताएगा। तो लेंथ अगर लिख रहे हैं तो फिर आप यही लिखेंगे व्हाइल लेंथ ऑफ टू क्रॉल इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जब तक टू क्रॉल लिस्ट जो है वो खाली नहीं हो जाती। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जरा शॉर्ट करके, सिंपली दिस व्हाइल टू क्रॉल। अब ये जो अगर आप सिर्फ ये लिखें व्हाइल टू क्रॉल, तो अगर टू क्रॉल खाली नहीं है तो ये टू होगा, और अगर टू क्रॉल खाली है यानी जीरो हो गई है तो आपको पता है जीरो का मतलब फॉल्स होता है अगर एम्प्टी लिस्ट है तो। राइट, सो आप व्हाइल लेंथ ऑफ टू क्रॉल नॉट इक्वल टू जीरो की बजाय सिंपली ये कंडीशन भी अगर लिख दें व्हाइल टू क्रॉल, ये वही काम करेगी व्हाइल जो व्हाइल लेंथ ऑफ टू क्रॉल इज नॉट इक्वल टू जीरो करेगी। There is any question, do let me know. अब हमें करना क्या है, हम इसमें से एक पेज उठाएंगे टू क्रॉल लिस्ट में से एक पेज उठाएंगे, और पेज कैसे उठाएंगे, हम सिंपली टू क्रॉल के ऊपर पॉप कॉल कर लेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट के ऑपरेशंस में एक ऑपरेशन पढ़ा था पॉप ऑपरेशन, याद है आपको? पॉप ऑपरेशन क्या करता है कि जो लिस्ट होती है उसमें से जब हम कोई चीज पॉप करते हैं तो आखिरी एलिमेंट उसमें से रिमूव करके हमें रिटर्न कर देता है। तो टू क्रॉल में इस वक्त एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है और वो है सीड पेज का एड्रेस, तो सीड पेज का एड्रेस इसमें से निकलेगा और वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, नहीं बेटा वो पेज में स्टोर हो जाएगा। आपने लिखा है ना टू क्रॉल डॉट पॉप और उसको असाइन कर दिया है पेज को, तो इसमें से जो एड्रेस निकलेगा वो किस वेरिएबल में चला जाएगा, पेज वेरिएबल में चला जाएगा, क्योंकि हम उसे पेज वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब पेज के अंदर वो चला गया, अब आपने क्या करना है, एक काम आपको ये करना है गेट ऑल लिंक्स फ्रॉम पेज, कि मैंने लाइन वैसे ही लिख दी है, अभी हम इसके लिए एक प्रॉपर लाइन लिखेंगे, और जब आप ये कर लेंगे फिर आप crawled dot append पेज कर देंगे, फिर आप इस पेज को crawled में अपेंड कर देंगे, यानी जब इसके तमाम लिंक्स आपको मिल जाएंगे तो फिर अब इस पेज को आप क्रॉल कर चुके हैं, इसको आप crawled लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। हो गया जी? अच्छा, अब ये वाली लाइन हमारे लिए आगे हमने क्या करना है, लेट मी जस्ट सी इफ यू आर गोइंग राइट नॉट टू क्रॉल डॉट पॉप, ये वाला हमने कर दिया कि हमने उसके तमाम लिंक्स उस लिंक के तमाम पेजेस लेने हैं और उसको क्रॉल्ड में फिर अपेंड कर देना है। अच्छा, अब ये जो काम है इस काम को हमें जरा केयरफुली देखना है, करना क्या है हमें, इस पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स हमें मिलेंगे और टू क्रॉल में पहले से अगर कोई लिंक्स मौजूद है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम एक लिंक अगर दोबारा मिला है तो उसको दोबारा भी अपेंड कर लेंगे, एक लिंक को हम एक ही बार अपेंड करेंगे ना। यानी मिसाल के तौर पे गूगल है, google.com है, गूगल का लिंक जो है वो तो बीसियों वेब पेजेस के ऊपर है, अगर आप
बीसियों वेब पेजेस के ऊपर गूगल का या फेसबुक का लिंक मिलता है, तो आप उसको बार बार तो एक्सप्लोरेशन के लिए ऐड नहीं करेंगे। आपने एक बार जब एक पेज को एक्सप्लोर कर लिया तो आप दोबारा उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप ये चेक कर लें इफ पेज नॉट इन क्रॉल्ड, आप ये चेक कर लें कि क्या पेज पहले क्रॉल्ड में तो नहीं है। इसका क्या मतलब होगा लाइन का, अब क्रॉल्ड में क्या होता है, क्रॉल्ड में वो पेजेस होते हैं उनका एड्रेस होता है जो क्रॉल हो चुके होते हैं। तो आप किसी भी पेज को क्रॉल करने से पहले ये एहतियातन चेक करेंगे कि वो पेज क्या पहले क्रॉल तो नहीं हो चुका, क्योंकि अगर वो पहले क्रॉल हो चुका है तो आप उसे दोबारा क्रॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर पेज क्रॉल नहीं हुआ तो आपने करना क्या है कि पेज के ऊपर से तमाम लिंक्स फाइंड करने हैं। तमाम लिंक्स फाइंड करने के लिए आपके पास ये प्रोसीजर है, गेट ऑल लिंक्स, ठीक है। गेट ऑल लिंक्स का प्रोसीजर है जो आपको तमाम URLs एक पेज के ऊपर से निकाल के दे सकता है, तमाम लिंक्स दे सकता है। और फिर आपने करना क्या है कि आपने देखना है कि जो आपकी क्रॉल लिस्ट है उसमें अगर कोई लिंक पहले से मौजूद है तो आपने उसको रिपीट भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त जो पेज एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके ऊपर गूगल का लिंक है, ठीक है, और गूगल का लिंक पहले से आपके पास टू क्रॉल में भी पड़ा हुआ है, तो क्या आपको गूगल का लिंक दोबारा टू क्रॉल में डाल देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो पहले से उसके अंदर मौजूद है, लिहाजा आप उसे दोबारा उसमें नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, आप बेसिकली यूनियन कर लेंगे। यूनियन किसका करेंगे, टू क्रॉल का, और दूसरी लिस्ट आप इसको क्या देंगे, गेट ऑल लिंक्स पेज, क्योंकि पेज के तमाम लिंक्स गेट करें, ये गेट ऑल लिंक्स आपको ये लिंक सारे रिटर्न कर देगा, तो ये एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट का टू क्रॉल जो लिस्ट है इसका यूनियन कर लें। यूनियन करें तो क्या होता है, दोनों लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं लेकिन जो रिपीटिंग होते हैं वो रिपीट नहीं होते, सही होता है ना। तो अब वो जो यूनियन का प्रोसीजर, अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम लिखा था, तो उसे हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम उस यूनियन के प्रोसीजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कहें कि जनाब ए बी, हम इसको पास करते हैं अगर, तो हम कहेंगे फॉर ई इन बी इफ ई नॉट इन ए, तो ए डॉट अपेंड ई, ये बनता है ना कोड यूनियन का, ठीक है। अब बेसिकली देखें तो आप इसको दो लिस्ट पास कर रहे हैं, पहली लिस्ट है टू क्रॉल और दूसरी लिस्ट है जो गेट ऑल लिंक्स रिटर्न करेगा। इसको जब हम पेज पास करेंगे तो गेट ऑल लिंक्स जो है तमाम लिंक्स उसके रिटर्न कर देगा। तो ये दोनों लिस्ट हम इसको पास करेंगे, चेक करेगा कि जो नए लिंक आपको मिले हैं उन तमाम को एक एक बार चेक करेगा, अगर वो पहले से टू क्रॉल में मौजूद नहीं है तो उनको टू क्रॉल में अपेंड कर देगा, ठीक हो गया। अभी तक कोई सवाल? और आखिर में जब आप ये काम खत्म करेंगे तो आप क्रॉल्ड लिस्ट रिटर्न कर देंगे जिसके अंदर उन तमाम पेजेस का एड्रेस होगा जो आप क्रॉल कर चुके होंगे। यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपके पास पेज है, ये सीड जो है, ये एड्रेस है, ये पेज नहीं है। इसी तरीके से आपने ये जो पेज वेरिएबल के अंदर पॉप करके डाला, ये भी एड्रेस है, ये पेज नहीं है। तो आपको इसको बेसिकली पेज देना है। हम ये करते हैं कि एक प्रोसीजर लिखते हैं गेट पेज के नाम से, जो कि हमें पेज रिटर्न कर देता है,
ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम। हम लिखते हैं डेफ गेट एज और जो भी उसको आप URL एड्रेस जो भी कहते हैं, आप ये पेज इसको पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी हुई थी जो हमारे लिए ये काम करती है। इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है अब। तो ये URL को रीड करेगा, ओपन करेगा, स्ट्रिंग की शक्ल में इसको रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। और यहाँ पे जब हम ये लिखेंगे गेट ऑल लिंक्स और इसको कहेंगे कि पहले पेज ले आओ, वो पेज ये ले आएगा, फिर ये इसको गेट ऑल प्रोसीजर को पास कर देगा, गेट ऑल लिंक्स जो है वो हमें उसके तमाम लिंक्स रिटर्न कर देगा। अब हम इसको जरा एक बार चला के देखें। ओके जी, तो हम इसके लिए इसको चला के देखते हैं। प्रिंट ऑल लिंक्स का प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है। प्रिंट ऑल लिंक्स कहाँ कॉल किया है हमने? ओके सॉरी, प्रिंट ऑल लिंक्स हमने कॉल नहीं करना, हमने क्रॉल वेब कॉल करना है। AWL crawl web and it should return local variable page reference before assignment. Okay, so कुछ ना कुछ सवाल तो हमने करना ही होता है। Page position, page URL and position, page. So call it page. नाउ यू सी, इसने जितने भी पेजेस क्रॉल किए हैं वो सारी लिस्ट हमें रिटर्न कर दी। इंडेक्स पेज किया, फ्लाइंग किया, वॉकिंग किया, क्रॉलिंग किया और किया, राइट। नाउ बैक टू दिस कोड फर्स्ट अगेन। इसमें पहला प्रोसीजर हमारा गेट नेक्स्ट टारगेट था। आई होप ये प्रोसीजर आप सबको समझ आया। यू गेट इट ऑल? उसके बाद हमने ये गेट ऑल लिंक्स दूसरे यूनिट के अंदर लिखा था। इसके अंदर छोटी सी तब्दीलियां हमने ये की कि बजाय इसके कि जो यूआरएल हमें मिलते हैं, जो लिंक हमें मिलते हैं, उनको प्रिंट करें, हम एक लिस्ट के अंदर उनको इकट्ठा करके रिटर्न कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इज एवरीबडी ओके विद दिस प्रोसीजर? गेट ऑल लिंक्स। फिर हमारे पास ये एक प्रोसीजर है यूनियन का। यूनियन सिंपली दो लिस्ट्स बतौर इनपुट लेता है, उन दोनों का यूनियन कर देता है। ये यूनियन का प्रोसीजर हमने लास्ट टाइम खुद ही लिखा था, एक क्विज के तौर पे हमारे सामने आया था। हम करते क्या है कि दूसरी लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करते हैं कि वो ए में पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर वो ए में पहले से मौजूद है तो ज़ाहिर है हम उन्हें दोबारा उसमें अपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम उन्हें ए में अपेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी ज़रूरत हमें नीचे क्रॉल वेब में पड़ती है। और एक हमने यहाँ प्रोसीजर लिखा है गेट पेज का। गेट पेज सिंपली क्या करता है कि आप उसको जिस पेज का एड्रेस देते हैं, जैसे इसमें आप जो एड्रेस क्या है ये बता दिया है, udacity.github.io so on, ठीक है। तो इस एड्रेस के ऊपर जो पेज पड़ा हुआ है उसकी जो HTML है उसका जो सोर्स वो उठा के आपको ला देता है। सो ये आप इसको जो एड्रेस देते हैं, जो भी एड्रेस देते हैं, ये उस एड्रेस को ओपन करता है, उसको रीड करता है, उसको एक स्ट्रिंग की शक्ल में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। तो इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉल वेब के अंदर। तो क्रॉल वेब के अंदर हमने क्या किया, टू क्रॉल के नाम से एक लिस्ट ली, उसको सीड से इनिशलाइज कर दिया, यानी जिस पेज से हमने शुरू करना है। क्रॉल्ड के नाम से एक लिस्ट ली, उसको हमने एम्प्टी रख लिया। इस लिस्ट में हम वो तमाम एड्रेस डालते जाएंगे जिनको हम क्रॉल कर चुके हैं, करते जाएंगे जब तक हमारे पास पेजेस होंगे क्रॉल करने के लिए, यानी जब तक टू क्रॉल लिस्ट खाली नहीं हो जाती। हम क्या करेंगे कि क्रॉल में से एक एक पेज उठाते जाएंगे, ठीक है। जब आपको पता है जब आप पॉप करते हैं तो वो पेज उसमें से रिमूव हो जाता है,
ठीक है, फिर आप चेक करेंगे उस पेज को क्रॉल करने से पहले कि वो पेज ऑलरेडी क्रॉल्ड लिस्ट में तो नहीं है, यानी अगर वो पेज ऑलरेडी क्रॉल हुआ हुआ है तो उसको हम दोबारा क्रॉल नहीं करेंगे। तो अगर नहीं क्रॉल हुआ हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, टू क्रॉल जो लिस्ट है उसका, और नए पेज के ऊपर जो हमें नए लिंक्स मिलेंगे उनका यूनियन कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि गेट ऑल लिंक्स का प्रोसीजर कॉल करेंगे, लेकिन चूंकि ये हमारे पास एड्रेस है पेज नहीं है तो हमें यहाँ पे पेज चाहिए, हम इस पेज का एड्रेस पास करते हैं तो ये हमें पूरी स्ट्रिंग की शक्ल में पूरा उसका जो सोर्स है वो निकाल कर ले आता है। तो वो सोर्स पूरा जब हम गेट ऑल लिंक्स को पास करते हैं तो वो हमें तमाम लिंक्स की जो है एक लिस्ट रिटर्न कर देता है। वो लिस्ट आती है हमारे पास और एक टू क्रॉल लिस्ट है, दोनों का जब हम यूनियन करते हैं तो उसमें जो टू क्रॉल में ऑलरेडी लिंक्स मौजूद होते हैं वो दोबारा ऐड नहीं किए जाते, लेकिन जितने भी नए लिंक हमें मिलते हैं उनको भी हम टू क्रॉल में अपेंड कर लेते हैं। फिर ये जो पेज हमने अभी एक्सप्लोर किया है इसको हम क्रॉल्ड में अपेंड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक हमारे पास पेजेस मौजूद रहते हैं क्रॉल करने के लिए, राइट। अगर आप इसे कोई यूजुअल पेज पास कर देंगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये आपको रिटर्न करेगा, इट विल जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एक छोटा सा काम ये करते हैं, मैं यहाँ एक स्टेटमेंट ऐड करता हूँ कि हर पेज के लिंक्स जो हैं वो प्रिंट भी होते जाएं। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट लिंक्स, ठीक है जी। सीडी वाला पेज पास करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। सो अब ये फॉरबिडन का एरर इसलिए आया कि इसने कोई ऐसी चीज हिट करने की कोशिश की है, कोई ऐसा एरर जिस पेज को ओपन नहीं किया जा सकता था, तो एचटीटीपी का एरर आ गया उसके ऊपर। एनीवे, इफ इफ यू विल एक्सप्लोर इट लाइक ऑन एनी इंडिपेंडेंट वेब पेज इट विल बी डिफिकल्ट दैट यू गेट होल फीडबैक एंड यू आर एबल टू रिटर्न ईमेल। ये देखिए इसने इतने सारे पेजेस रिटर्न किए एंड देन व्हाइल अटेम्प्टिंग टू ओपन समथिंग रिसीव सम एरर। सो ये इतने सारे पेजेस का लिंक इसको इसके ऊपर मिले, राइट। ठीक है जी, कोई सवाल है अभी तक इसके अंदर तो प्लीज बताइए, बात समझ नहीं आई तो बताइए। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए ताकि कंसोल पर यहाँ पे प्रिंट हो, यहाँ प्रिंट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इट फॉर हर पेज के ऊपर जो लिंक्स हमें मिलते हैं हम उनको वहीं पे प्रिंट कर लें ताकि हमें नज़र आता रहे कि क्या क्या कहाँ कहाँ मिल रहा है, बट इन जनरल ऑब्वियसली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। The easiest demonstration is that we assisted with this test page. जो Udacity base का test page पड़ा हुआ है सादा सा, उसके साथ जो अब हम इसको explore करते हैं तो that is the simplest result we can get. क्योंकि ये किसी circular way में link नहीं है, पेज सिर्फ चार ही links इनके ऊपर हैं तो वो चारों links यहाँ पे हमें मिल जाते हैं क्योंकि वो सारे crawl हो जाते हैं, तो उसके बाद आगे मजीद कोई links नहीं होते जिनको हमने crawl करना होता है। जी बेटा, आप कोई सवाल है, कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। ये 3 यूनिट्स का काम हमने कर लिया है, जो बेसिकली 1, 2, 3, 4 और 5 पांच प्रोसीजर हैं मुनासिब से, राइट। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग थिंग एंड वी आर एबल टू क्रॉल नाउ। अब हम क्रॉलिंग का काम कंप्लीट कर चुके हैं, अगले यूनिट में बेसिकली हमने करना ये है हम जो कंटेंट हमें पेजेस के ऊपर मिलेगा तो उसका भी हम एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि यूजर जब कोई सर्च क्वेरी दे वो टेक्स्ट मैच करके हम उसको उसका मैचिंग कंटेंट के एड्रेसेस भी बता सकें।
इंटरसेक्शन में तो बेटे आपने कॉमन लेने हैं ना एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे उसमें आप ये लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर ई इन बी, ठीक है, इफ ई इन ए, ठीक है, आप ये नॉट की बजाय सिंपली अगर लिख दें फॉर ई इन, फॉर ई इन बी, इफ ई इन ए, बी के तमाम एलिमेंट्स को चेक करें, अगर वो ए में भी हैं, ठीक है, फिर आप ये करें कि एक नई लिस्ट लेके उसके अंदर अपेंड कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सिंपली ये लिखता हूँ, इंटरसेक्ट के नाम से एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ कहता हूँ ई इन ए इंटरसेक्ट डॉट अपेंड ई। सो आई थिंक दिस विल डू द इंटरसेक्शन, ये अगर आप लिखें तो आई मोस्ट लाइकली इट शुड डू द इंटरसेक्शन फॉर यू। बी का हर एलिमेंट लें, अगर वो ए के अंदर भी है तो इंटरसेक्ट लिस्ट के अंदर उसको अपेंड कर लें, तो सिर्फ वही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे जो बी और ए दोनों में होंगे। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? असाइनमेंट फोर, असाइनमेंट फोर का आखिरी क्वेश्चन यही मेरा ख्याल जो अभी हमने डिस्कस किया था फिबोनाची सीरीज वाला। जी ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, this is basically where you have to deal with Fibonacci series. I just explained it earlier. Fibonacci series jo hoti hai, so basically her term pichli do terms ka sum hoti hai. Acha, basically problem ye hai ki ye to theek hai ki her term pichli do terms ka sum hoti hai, lekin pehli do terms kahan aati hain? Pehli do terms jo hain wo isme fix hoti hain. So the first term is always 0 and the second term is always 1. बेसिकली जब आप ये प्रोसीजर लिखेंगे फिबोनाची के नाम से, तो उसमें आप दो टर्म्स शुरू में फिक्स कर लेंगे, जीरो और वन। अच्छा, उसके बाद आगे अब आपको पता है, क्योंकि दो टर्म्स आ गई हैं, तो हर अगली टर्म पिछली दो टर्म का सम आप ले सकते हैं। वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस वन इज टू, टू प्लस वन इज थ्री, थ्री प्लस टू इज फाइव, फाइव प्लस थ्री इज एट, एट प्लस फाइव इज थर्टीन, 13 plus 8 is 21 and so on. ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिकली आप जब एल्गोरिदम लिखेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि आप पहली दो टर्म्स को कर लेते हैं फिक्स, ये आपकी पहली टर्म है, जीरो आपकी पहली टर्म है और वन आपकी दूसरी टर्म है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक लूप लगाएंगे जो आप बताएंगे कि आपने कौन सी भी टर्म इसकी कैलकुलेट करनी है, तो आपकी लूप इस तक जाएगी, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है कि हर बार आप ये टर्म नंबर चेंज करेंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट टाइम जब आप आगे आएंगे तो ये जो सेकंड टर्म थी ये आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी और इसका सम आएगा वो आपकी सेकंड टर्म बन जाएगी। लूप जब अगली बार आगे आएगी तो ये जो सेकंड टर्म है ये अब फिर फर्स्ट टर्म बन जाएगी और ये सेकंड टर्म बन जाएगी, टू आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी। इसी तरीके सॉरी इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम जब आप आगे आएंगे तो ये जो सेकंड टर्म थी ये फिर पहली टर्म बन जाएगी और जो नया सम आया जो कि तीन है इस केस में वो आपकी सेकंड टर्म बन जाएगी। ये बात आपको समझ आई? बेसिकली आपने करना ये है कि इस फिबोनाची फंक्शन को आपने एक नंबर देना है बतौर इनपुट और आपकी आपका जो लूप है वो उस नंबर तक चलेगा और आपने करना क्या है कि पहली दो टर्म्स फिक्स करने के बाद उस लूप के अंदर उन टर्म्स को चेंज करते जाना है।
सेकेंड टर्म जो पिछली बार सेकेंड टर्म थी वो अब फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो सेकेंड टाइम नया सम आया था वो आपकी सेकेंड टर्म बन जाएगी। तो उन दोनों को ऐड करके आप इस तरीके से इसका जवाब निकाल लें। मोर ओवर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हेल्पिंग मटीरियल अबाउट फिबोनाची सीरीज एज वेल, बिकॉज फिबोनाची सीरीज इज वेरी वेल डिस्कस्ड इन लिटरेचर एंड इट इज सॉल्वड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी बेटा, और कोई सवाल? नथिंग, सो वी आर डन। ओके जी, चले हमारा यूनिट 3 खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।